हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस सेशन में हम डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन डिस्कस कर रहे थे, जिस पर हमने लास्ट टाइम लिस्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस या लिस्ट के बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे आगे। सो, यहाँ पर अब हमारे पास एक नया है जो टपल जो होता है वो सेम एज इट इज़ लिस्ट की तरह होता है। ठीक है, और टपल बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप टी इक्वल टू 1, 2, 3 यानी रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट्स रखना है उन कंटेंट्स को यहाँ पर रखना है। ठीक है, सो हमने इस एग्जांपल में देखे टपल को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया है, सिंपली टपल, ठीक है, या तो टपल फंक्शन का आप इस्तेमाल कर लें या सिंपली स्मॉल ब्रैकेट में हमेशा आपको टपल ही बनाया जाता है। तो हमें कुछ बातें हमेशा यह ध्यान रखने की ये है कि टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट होता है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जबकि डिक्शनरी के लिए एक कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं। सो, यहाँ पर हमने एक टपल बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखे 1, 2, 3 और उसे प्रिंट कर लिया सिंपल। दूसरा बात है कि एक्सेस करना है हमें सारे एलिमेंट्स को। सो, जो जैसे हमने लिस्ट में फॉर लूप की हेल्प से और लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, सो, हम यहाँ पर भी इस गिवन एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स में टी इक्वल टू 1, 2, 3 और एक दिया हुआ है एड्यूरो का, मतलब या कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, मतलब एक मैंने स्ट्रिंग दी हुई है और इसे फॉर लूप में इंडेक्स के साथ चलाया है तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, सिर्फ कॉमनली एक बार में प्रिंट टी है, ये होल जितने भी टपल्स में एलिमेंट्स होंगे उनका प्रिंट करेगा, प्रिंट टी और जीरो इंडेक्स, यानी जीरो इंडेक्स यानी जैसे लिस्ट में स्टार्टिंग होती है जीरो इंडेक्स, सो टपल में भी स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स से होती है और लास्ट तक जाती है, और निगेटिव भी यहाँ पर है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव में क्या होगा कि पीछे की तरफ से चलेगा। सो, नेक्स्ट है प्रिंट टी और कॉलन का मतलब होता है कि होल एलिमेंट्स, ये देखना आप जब भी कभी इसका आउटपुट आप देखेंगे तो ये होल एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक, देन अब मैंने प्रिंट दिया 3 और 4, इसका आउटपुट आप गेन करिएगा और सभी लोग मुझे बताएं व्हाट्सएप पर कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, अपेंड करना एलिमेंट्स को, टू अपेंड अ वैल्यूज बाई प्लस ऑपरेटर, अपेंड मतलब होता है कि हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने टी एक टपल लिया है और टी को इक्वल टू टी प्लस, और मान लीजिए हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में जो लिया हुआ है 4, 5, 6 से भी एक टपल ही है, सो ऐड कर दिया है। लास्ट में आप इसका प्रिंट देखेंगे आप इंटरप्रेटर पर तो ये सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिए होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अदर फंक्शन में बात करें तो जैसे मान लीजिए कि टेक टपल है जिसमें मैंने 1, 2, 3 हिंदी, अब ये हिंदी और पाइथन जो है ये पूरा एक टपल ही है। ठीक है, यानी पूरे दोनों ही एलिमेंट एक मानता है इसको, और मैंने क्या किया कि 3 और 0 पर एक इंग्लिश ऐड किया, देन प्रिंट, तो आप देखेंगे कि ये सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। प्रिंट टी डॉट काउंट, काउंट करेगा सेकेंड एलिमेंट्स को जितने भी होंगे। ठीक है, देन प्रिंट टी डॉट इंडेक्स एंड द लेंथ, जो भी इंग्लिश या पाइथन जो भी आ रहा होगा। सो, आप इनके आउटपुट हमें गेन करके हमें व्हाट्सएप पे बताएंगे कि क्या आउटपुट इनका आया। ओके, देखिए होता क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपका कोई कन्फ्यूज़न निकलेगा नहीं। सो, हमें जो भी मेरी ये क्लास चल रही हैं ऑनलाइन, सो आप पढ़ने के बाद उसे प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ओके, तो अपडेट करना है हमें, मान लीजिए टपल में हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ठीक है, कि क्योंकि टपल्स एक इमिटेबल्स होता है, विच मीन्स वी कैन नॉट अपडेट और चेंज वैल्यू टपल एलिमेंट, मतलब हम डायरेक्टली चेंज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उस पर। तो हमने जैसे पहले में लिया T1, फिर लिया 34.56 और फिर T2 में लिया मैंने ABC और XYZ, तो टपल 3 यानी दो टपल्स को जोड़कर एक टपल 3 बनाया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो होना चाहिए यहाँ पर T1 होना चाहिए और यहाँ पर T2 होना चाहिए।